खटीमा में मुख्यमंत्री के आगमन पर आशा कार्यकर्त्रियों का तहसील परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री के खटीमा आगमन को लेकर आक्रोशित आशा कार्यकर्त्रियों ने खटीमा स्थित सीएम के कैंप कार्यालय कूच करने की योजना बनाई, जिसकी भनक लगने पर प्रशासन ने तहसील परिसर के बाहर ही आशा कार्यकर्त्रियों को रोक दिया। तो वहीं आक्रोशित आशा कार्यकर्त्रियों ने तहसील परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गई, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर तथा चंपावत जनपद की भारी संख्या में आशा कार्यकर्त्रियां धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं आशा कार्यकर्त्रियों ने डबल इंजन की भाजपा सरकार पर ही जमकर उंगलियां उठाई। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार आशा कार्यकर्त्रियों को मानदेय नहीं दे सकती तो बड़े बड़े वादे और दावे क्यों करती है। प्रदेश अध्यक्ष आशा हेल्थ वर्कर कमला कुंजवाल ने बताया कि लगभग आसपास के 4 जिलों की आशा कार्यकर्त्रियां अपने जिलाध्यक्ष सहित अपनी मांगों को लेकर खटीमा तहसील परिसर में इकट्ठा हुई हैं। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। हमने तो मुख्यमंत्री आवास कूच करने का जो फैसला लिया था, हमारा यही था कि हम वहाँ पर जाके अपने शांतिपूर्वक अपनी बातें करेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए बात करेंगे। लेकिन जब शासन ने हमें यहाँ पर रोक दिया तो हम यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि हम सरकार से झगड़ा करने नहीं आए थे या कोई दंगा करने नहीं आए थे या कोई हम रोड जाम करने नहीं आए थे। अभी तो हम शांतिपूर्वक ही यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन सरकार प्रशासन के लोगों ने हमें यहीं पर रोक दिया। हमारे चंपावत की बहनों को चंपावती रोक दिया, लेकिन ये गलत है। हमें उकसाने का काम प्रशासन खुद कर रहा है, हमने कोई ऐसा नहीं किया था। हमारी जो यहाँ पर मांग होंगी, हमारी मुख्य मांग है, हमें 21,000 वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमें कोविड भत्ता जो था वो महीने का 10,000 रुपया दिया जाए। जो हमारी 15 साल से काम करते करते बहने जितने घुटने खराब हो चुके हैं उनके लिए एक मुश्त पैकेज की व्यवस्था की जाए और पेंशन की व्यवस्था की जाए और 50,00,000 का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। अगर ये भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, कम से कम आंगनबाड़ी की तरह मानदेय तो कर सकती है ना, ऐसा भी नहीं कर सकती क्या? क्या हो गया सरकार को? डबल इंजन की सरकार है, इसने सोचना चाहिए। इतनी महिलाओं को रोड पर ले आई है, फ्री का शोषण कर रही है महिलाओं का 15 साल से। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को। महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकार है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, क्या ये महिलाएं नहीं है या इनकी बेटियाँ नहीं है या किसी की बेटियाँ नहीं है क्या? कैसे सरकार ऐसा सोच सकती है हमारे बारे में? नाम उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल।